फिर आप हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज है गोवर्धन पूजा और गोवर्धन है। क्या कर रहे हो, देखो दिखाओ। मम्मी ने गोवर्धन बनाना शुरू भी कर दिया और अभी ये मैडम थोड़ी देर पहले सो के अभी उठी है ना। रात को लेट सोए थे। ये देखो मम्मी ने बना भी दिया, अभी सीख तैयार कर रही है मम्मी। इतनी देर में हम शाम को पूजा हो जाएगी, लेकिन बनाना तो दिन में पड़ता है ना, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। मम्मी ने बना दिया। देखो बेटा दिखाओ इसमें क्या क्या बना हुआ है। मुझे पता ही नहीं है। तुझे भी कुछ नहीं पता? देखो ये बेटा गोवर्धन जी हैं, जिन्होंने बारिश से बचाया था। कृष्ण जी ने जिनको कनकी उंगली पे उठा लिया था, वो देखा था ना जब वहां पे गए थे बेटा प्रेम मंदिर में। कृष्ण जी ने एक पहाड़ ऐसा उठा रखा था, वही वाला। उसकी देख क्लिप लगाऊंगा इसमें बीच में। देखो ये बना रहे हैं, अब इनकी पूजा की जाएगी। इसकी पूजा आज ही क्यों की जाती बताने जरा। ये तो मुझे भी ना पता आज क्यों की जाती है। वो आज का दिन बैठता होगा, दिन का हिसाब आज का बनता होगा। मम्मी मम्मी तुम बताओ कि इनकी पूजा आज ही क्यों करते हैं। वो बेटा दिन पड़ता, दिन ही ऐसा आता है कि दिवाली से अगला दिन बैठता है। नहीं तो ये तो बताओ कि हम जिसको भी पता हो कमेंट्स में बताना कि आज ही क्यों की जाती है। तो वो आज ही के दिन कहते हैं ना, वो जो तिथि निकालते हैं वो आज ही के दिन उठाया होगा, बारिश पड़ी होगी तो जो बचाया होगा भगवान जी ने, वो आज ही का दिन पड़ रहा होगा, तो उसी लिए आज का दिन बैठता है गोवर्धन पूजा का। जन्म जन्माष्टमी का है, ऐसे इनका भी जन्म आज का ही है। समझ गए? और बोले मम्मी कुछ और। कुल मिलाकर जो समझ गए समझ गए। फ्रेंड्स आप बताओ कमेंट में, फ्रेंड्स ऐसे किस कान्हा जी का जन्म जन्माष्टमी में होता है, उनका बर्थडे मनाते हैं, वैसे आज इनका जन्म आज होता है। देखो बेटा इनका जन्म नहीं होता, जैसे जब जिस दिन बारिश पड़ रही थी, लोगों में तबाही मच रही थी ना पूरे गांव में, तो कृष्ण जी ने जब पर्वत उठाया था वो आज ही का दिन था। मतलब दिन की तिथि आज की ही बैठती है, तो उसी दिन को उनके रूप में पूजा जाता है, गोवर्धन जी के रूप में। पर कान्हा जी ने उंगली उठाया था बेटा, उस पहाड़ से बचाया था सब लोग, उसके फिर पहाड़ के नीचे छुप गए, बारिश से बच गए। बारिश वो सीधी नहीं पड़ रही, जैसे बारिश पड़ती है ना तुम्हारे ऊपर पड़ेगी एकदम से, तो तुम ऐसे कांपोगे। तो बारिश इतनी तेज थी कि उनके सबके घर बह गए थे, तो उन पे कुछ नहीं बचा, सर पे छत नहीं बची। तो जब कृष्ण जी ने पहाड़ उठाया तो सब उसके नीचे खड़े हो गए, तो सब बच गए। सीधी ऊपर से सीधी बारिश नहीं गिरी उनके ऊपर। हाँ बेटा कृष्ण जी बहुत ताकतवर थे, भगवान जी। हाँ हाँ देखो बना दिया मम्मी ने, अब हमारा इसमें काम हो गया पूरा। क्या क्या रह गया मम्मी, अब इसमें कुछ और बनाओगी? देखो बेटे ये बच्चे बना रखे हैं मम्मी ने, ये नीचे गाय के बच्चे हैं। हाँ वो है गाय, और ये है गाय के बच्चे इधर। पर पत्नी गाय की, ये है ग्वालियन, ये है ग्वालिया। अब इनके लिए पानी जगह से पानी ऐसा धरूंगी, इनका यहाँ ऐसे पानी रखा जाएगा पीने वाला। पानी पानी गया हमारा मोटर से, पानी नहीं आ रहा, सप्लाई बंद हो गई। आज वो छुट्टी मना रहे हैं पानी वाले, सो इसलिए हम इस बगैर नहाए तो इसलिए ही खड़े हैं कि पानी नहीं आ रहा। मन्ना अभी तक हम नहाए होते। हाँ कपड़े बदल लेते, पर मेरा मन नहीं। चलो कोई ना, कल की छुट्टी है। हाँ। नहीं अभी पानी आ जाएगा, नहाओगे तुम? इससे ठीक मैं आज शाबाश। अब क्या करेंगे जब हमारे गोवर्धन जी पूरे हो जाएंगे, नहा धो के तैयार हो जाएंगे, फिर यहाँ पे पूजा करेंगे इनकी और कचौरी बनाएंगे बदले में। खाने में पकवान बनेगा बढ़िया सा, फिर भोग लगाएंगे और उनके बीच में नारे वो अनार रख करके जला देंगे। ठीक है बिल्कुल ओके, चलो तो तैयारी करते हैं। अभी तारा ने जो ना, तारा को थोड़ी देर पहले छोड़ा था तो गोबर खा गई थी हमारे, सब बिगाड़ दिए थे उन्होंने। तारा जी ने पैर खा गई थी। हाँ पैर खा गई थी, ठीक इसलिए उसको अंदर बंद कर रखा, नहीं तो फिर आएगी फिर बिगाड़ देगी। एक पैर देखो आपको अजीब सा लग रहेगा। कमेंट्स में बताओ कि कल को भैया दोस्त क्यों नहीं है।
कल को पड़वा हो रही है, एक दिन बीच में गैप का आ रहा है। आज ये मास कोई? मुझे क्या पता, मास तो कल ही पड़वा आधी है। अच्छी आज पड़वा है। अच्छा अमावस तो कल की, दिवाली वाले दिन अमावस रहती है ना, जब तो दीपक जलाते हैं। नहीं तो एक दिन तो रहता ही है, हर बार रहता है, एक दिन का गैप तो छुट्टी मिलती ही है। अभी नहीं रहता। चलो कोई बात, तुम्हें क्या फर्क पड़ा, स्कूल से छुट्टी तो हो गई तुम्हारी। पर वो जो मुरादाबाद जाने तो मुरादाबाद की पड़ी, तो मुरादाबाद कल शाम को निकल जाएंगे, वहाँ पे एक दिन मालिश करवा लेंगे। और क्या, और जो तुम्हें पुआ वो सब भैया दो से तुम्हें नहीं देगी पुआ, नारियल वाले हैं भैया को लो क्या? अरे बाप रे, ये क्या ये पापा ने नहीं कहा, कुर्सी किसका ये बेटा? चलो तो हम तैयार हो गए, मिलते हैं। हम इतनी देर से मोटर का चलने का इंतजार कर रहे थे, अब देखा पानी नहीं उठा रही, तो जो है ना तार काट रखा है, पापा और चाचू कर रहे थे। अभी तो देखेंगे तारी कटाए क्या कटा, चलो उठ जाओ, जोड़ने तो मेरे को जब जुड़ जाएगा तब बताएंगे। और ये देखो आज होगी हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा, कल को जो थी वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि कल था ग्रहण लग गया था, ग्रहण लग गया था। तो देखो पूनम मौसी आ गई तुम्हारी, आज हम करेंगे पूजा, तो हमारे जीजाजी करेंगे गोवर्धन पूजा, देखने आए हम। अरे पूनम मौसी नहीं रहती, देखो इसको क्या पागल पना छा, देखो इसे निकाल लिया और पहना इसको पहना। ओ ये कहाँ भाग गई, पकड़ पकड़ पकड़। अरे नहीं जाएगी, तैयारी बेटा पूजा की? हाँ तैयारी खराब हो रही है मेरी, इसको उल्टी हो गई। दीदी छोटी बताइए क्या हो गया दीदी को, छोटी उल्टी हो गई है, क्या हो गया? क्या हो गया था? दीदी को हो चुका जुकाम, क्योंकि वो है मुखार, बात जमी तेल नहीं, जा रहे तेल 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 जल जाएंगे तो ऐसे ही दीवों में भरा जा रहा है तेल, उसके बाद लगाई जाएगी इसमें आग, जलाए जाएंगे। हाँ दीपक जलाए जाएंगे, ज्वलित प्रज्वलित करते हैं, क्या कहते हैं? अरे कैसे मानेगी ना, इधर इधर दिए खा दिया, अरे इधर दीवे जल गए, क्या हो गया? दीवे जल गए ना, एक दीवा जलेगा, सोलह जला दो तो तेल गया, दोनों में इधर दिखाओ ना पूरी, इधर एक दीवा यहां चला जाएगा ना, जल कर यहां कर दो, पांच से दिखा, हां दीवा तेल तो इसकी नजर है कि कुछ खाने को मिलेगा, अरे चमचा डालो, तारा चप्पल उतार के बैठ, इसके यहाँ चप्पल है। अच्छा चप्पल ना है इसकी, अब बनवाएंगे है ना तारा, अरे चप्पल उतार ले, नहीं तो चप्पल ऊपर से उतार लो, कह रहा हूँ दिख रही है उसमें, अरे अरे देखो उसने निकाल लिया वो, अरे चप्पल की निकालने को गई थी, पट्टा निकालने को ना गई, क्या करूँ उसका, ये गुज्जी पर खाएगी आज, देखना अच्छा बच्चा है ना, इसे दे भूल के दिखा है पिछली बार की पिटाई, आधा ब्लॉग अब इसके नाम पे बनेगा, अरे जल्दी हम ये लगा रहे हैं, गोवर्धन की पूजा यहाँ भी चल रही उधर ऊपर ऊपर, हाँ
अरे अपन ने एक अनार तो लिया, अरे वो अनार उसमें जलाएगा गोवर्धन के बीच में, पागल है क्या? अंदर कैसे जल जाएगा अनार? जलता है तू करेगी? आजा बेटा छोटिया, छोटू जाओ, खाना नहीं है, खानी नहीं, खाना नहीं है बेटा, खाना मत बेटा, पूजा खाना नहीं बेटा, ले और ले ले। अरे ये है। चल खाना मत, ठीक है? ऐसे ऐसे अभी सब लोग करेंगे वैसे तुम करना। पहले से पैसे दे दो, मैं तुम्हारे आगे आऊंगा, तुम्हारे आगे। चल आगे कर लो, मुझे लाइन बनाओ बिना चप्पल के। हां चप्पल उतार दो भाई, जूते चप्पल उतार दो, सब बच्चे यहां पे। अरे पानी तो मुझे, अरे रंगोली तो वहां तक यहां तक आना है। कोई बात ना, तो एक तक बूंद गिरते जाइए, कभी सारे इकट्ठा दे बच्चों को भी। आ जाओ हटियो, चलो चलो चलो, पता आ गए तुम, आए बैठा है रहने दो तुम। मिस्टी अरे चलो ना, जा 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 पियो, जा 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 अरे अरे जा बच्चे, नहीं आ रहे डॉगी, जा जा घूमो जाके, जा कोई बात ना, तुम डाल दो जब गलती करोगे तभी तो बताया जाएगा। नहीं घूमने घूमने जा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे चल रहे अब। खिलाओ हटियो, बाकी बच्चे पानी मुझे पीना था। खिला दो पानी। इतना बड़ा टुकड़ा अपने हिसाब से खिलाया, बड़े देंगे इधर से बैठ के खिला, चलो हमेशा उल्टे चले, खुद ना बड़ा सीधा बेटा, तुम भी जाओ टुकड़ा खिलाओ, पूरी ले लो कचोरी, ले लो अपने हाथ में, ऐसे टुकड़ा खिलाओ उनको मुंह में देना, ले लो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ले लो, चलो देखो क्या कर रहे हो, खिला दो, खिलाओ बेटा खिलाओ, शाबाश, चलो जी पूजा संपन्न, हाथ जोड़ो, अनार लेकर खत्म, अरे इसे खा ले, सारे बटा के कल ही खत्म कर दिए। विदाई में परवीन, विदाई में, अरे यहाँ पे फोड़ोगे क्या? विदाई में आप इस बात की हो रही है, अरे यहाँ पे, अरे भाभी यहाँ पे फोड़, अरे नहीं भैया तारा थी, तो क्या हो गया? उनको पूछ रहे हो, नहीं को पटाखा छोड़ रहा है और कपड़े जल गए, पहले पता कर दी थी, बता तू जा, सारे पटाखे जला दिया, अनार कहीं से जलाने को, यहां फोड़ लेता, अब उस पे रखते हैं, चल ऊपर रखते हैं गोवर्धन, पता बहुत है तेरे को, लड़ाई हो रही है, आप ब्लॉग में बने रहे हैं, पटाखे जला दिए अंदर ही, ले कोई बात नहीं गाइस, ऐसा होता रहता है, हाँ जी सही रहे पटाखे, सही था, हाँ सही था, तो गोवर्धन की विदाई जी हो गई हमारे घर में से आज, पूजा हो गई, अब बैठो, अरे हम पटाखे फोड़ने जा रहे हैं, तो गोवर्धन का ब्लॉग का करते हैं हम यहीं पर एंड आज, और अब आगे की तैयारी करते हैं, किसकी? भैया दूज की, भैया दूज की, भैया दूज में शायद ये थोड़े से एक तो कपड़े लेके आएगी, शायद मीठा लेके आएगी और गोला लेके आएगी, अरे तो लेके तो तब आओगे जब दुकान खुली हुई मिलेंगी, है गिफ्ट भी मिलेगा, है इसका भी गिफ्ट है, ओहो पहले स्कूल होगा, मुझे पटाखे दिलवा लो, चलो पटाखे, अरे सर देखो ब्लॉग, सभी को हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी भैया दूज, और छठ पूजा भी सबको।